चिराग हाँ इधर देखना, बोला इधर देख, क्या हुआ देख तो सही। हाँ। देख हट, क्या हट, क्या हट? ब्रो व्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं, कल जयपुर जाना है। कल जाना है ना, अभी से क्या कर रहा है? तो व्लॉग का इंट्रो तो शूट करना है भाई, अबे चलना है यार, कॉपीराइट आ जाएगा, बंद कर दे। चलना यार इंट्रो शूट करते हैं। अबे इंट्रो में क्या है, कल जा रहे हैं बस। और अबे तो इंट्रो तो बोलना पड़ेगा भाई, तोड़ दे साले, तोड़ दे। It was at this moment that he knew he fucked up. तो इसमें क्या ही पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या डाल रखे स्टूडियो में बेवकूफ। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी डालूं। अबे तो भाई क्या हो रहा है यार, तेरा इंट्रो शूट करना है यार, कैसी बात कर रहा है? कर रहे हेलो गाइस, व्हाट्स अप। हेलो भाई साले, पहली बार व्लॉग कर रहा है क्या? तो पहली बार ही तो कर रहा हूँ, मतलब पहली बार कर रहा है तो ऐसे के कैमरा अटेंशन सारी तेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। चल बोलिए बोलिए। हेलो गाइस, हेलो व्हाट्स अप। तो गाइस, अब हम लोगों का पहला व्लॉग बेसिकली जयपुर सीरीज, जो कि हम कल शूट करने जा रहे हैं। और हम सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्यों? क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम हमारा व्लॉगिंग एक्सपीरियंस है। और थोड़ा टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आज तक कभी दिल्ली से बाहर नहीं गया हूँ, एक्सेप्ट फॉर एक दो जगह था मम्मी पापा लेकर गए हैं, वो तो छोटा मोटा चलता है। बट कभी अकेले, कभी सोलो ट्रैवल, कभी ऐसे सोलो, मतलब अकेले भी नहीं गया हूँ, ना यश के साथ भी कभी नहीं बाहर गया हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर ट्रैवलिंग। क्यों तो सब कुछ बोले जा रहे, मैं गिटार ही बजा लेता हूँ। सो बेसिकली हम चाहते थे कि हमारा जो फर्स्ट व्लॉग हो वो केदारनाथ हो, जो कि सब छेड़ ले तू, बोलने नहीं देगा अब। आप इंट्रो शूट नहीं करना, कैमरा हीट हो रहा है जल्दी। ओके सो क्या करना है हम लोगों को, कि हमारा बेसिकली जो पॉइंट है वो यही है कि मेरे को एक जगह, बेसिकली मेरे को जगह घूमना है, मेरे को लोकेशंस ढूंढनी है, मेरे को लोकेशंस पे जाना है और इनको कैप्चर करना है वहाँ पे, इनका बेसिकली जो कैमरा से जो भी करना है इनको कैप्चर करना है। मेरे को इंटरेस्ट है कि मैं कभी बाहर घूमा नहीं हूँ, तो मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस होने वाला है, लोगों से मिलना है, लोगों से बातें करनी है, जो कि मुझे लग रहा है सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, बट बात के लिए देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस जाता है कैसे नहीं जाता है। अभी के लिए फिलहाल कल हमारी ट्रेन है सुबह 6 बजे और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन है, इट्स अराउंड 12:07 राइट नाउ। तो अभी हमारा कल न्यू दिल्ली से ट्रेन है, हमारा फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग एक्सपीरियंस है और हम बहुत एक्साइटेड है टू बी वेरी ऑनेस्ट, और थोड़ा सा डर भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम है कि घर वालों के साथ नहीं गए, कोई बड़ा साथ में नहीं है, थोड़ा सा डर है कि लोग कैसे होते हैं, कैसे हैं। व्लॉग वैसे देखे हैं यूट्यूब पे, बहुत व्लॉग्स देखते हैं, लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ कि यार लगता था यार कि सोलो ट्रैवल बहुत इजी लगती है। अब देखते हैं असल में कितनी इजी है। फिर सारे कैमरा छेड़ ले तू यार, वो कैमरा सीरियसली टेढ़ा था, अब ठीक है। तो सॉरी, मेरे को ऐसा लग रहा है जितना भी तूने बोला दोबारा बोलना पड़ेगा। कैमरा अब सीधा है भाई, नूब व्लॉगर्स, वी आर नूब, हैशटैग नूब, तन्मय भट्ट, नूब नूब, वी आर नूब, परफेक्ट। आप लोग फर्स्ट टाइम व्लॉग कर रहे हैं तो आप लोग को जरूर देखना चाहिए कि फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग एक्सपीरियंस कैसा होता है। अगर उसके लिए भी नहीं तो थोड़ा सा हमारे लिए देख लो, थोड़ा सा बच्चे हैं हम, थोड़े सीधे सादे से। आप कहां से सीधे दिखते हैं भैया जी? सो भैया जी, इसका गाइस चलता रहेगा। अभी के लिए हम लोग रैप करते हैं क्योंकि हमें सोना है और सोकर सुबह उठना है और फिर हम लोग का कल जर्नी शुरू होगी। और इसने तो हाथ खड़े कर लिए कि मैं नहीं बोलूंगा, मेरे से नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई विल ट्राई, अगर हो पाया ट्राई। ओके लेट्स सी दिस ट्राई और आगे देखते हैं क्या होता है। कोशिश करेगा भैया, थोड़ा सा गाइस सपोर्ट और कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय। यहाँ से एग्जिट नहीं है, एग्जिट दूसरी साइड से है शायद।
और चिराग क्या ओके सो व्हाट जस्ट हैपेंड वाज कि हमने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन चेक इन किया, हमने अपना सारा सामान चेक कराया. उतने में ही क्या हुआ कि हमारा जो माइक था उसका थोड़ा स्क्रू लूज हो गया. एंड यश इतने में स्क्रू एडजस्ट कर रहा था एंड मैंने सोचा मैं प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हुए एक शॉट ले लेता हूँ. एंड आई वॉज टेकिंग द शॉट्स, इतने में पीछे से आवाज़ आती है. सी टर्न किया एंड द पर्सन शोड हिज आईडी कार्ड एंड उसके अंदर कोई दिल्ली पुलिस के ऑफिसर थे. एंड ही सेड कि नहीं नहीं, दिल्ली पुलिस के अंदर रेलवे का डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर था. एंड ही सेड कि क्या कर रहे हो. आई सेड दैट वी आर ब्लॉगर्स. देन ही सेड तुम्हारे पास परमिशन है, ये है वो है. आई नो दैट ये सब जरूरी है बट पहला ब्लॉग है एंड पहला एक्सपीरियंस ही बहुत बेकार चला जाए तो लाइक थोड़ा अपसेट तो हो जाता है. फिर उसके बाद भी आई ट्राइड टू गेट सम शॉट्स रेलवे स्टेशन के, थोड़े से शॉट्स लेने की कोशिश करी बट थोड़ा बहुत ही कर पाया. उसके बाद कुछ पॉसिबल ही नहीं हो पाया. थॉट कि यार इतना मतलब मूड खराब हो चुका है, अब इससे ज्यादा करूंगा किसी और ने बोल दिया फिर मतलब पूरा डाउन एक्सपीरियंस ही खराब हो जाता है. जो ट्रिप है वो पूरी रूइन हो जाती है इस वजह से. तो स्टार्टिंग ही खराब होती थी इसीलिए इस वजह से. सो ओके कंटिन्यू आगे कंटिन्यू करते हैं. फाइनली रेडी, अब चलते हैं कहीं पे कुछ खाते हैं. कहाँ चले चिराग? मुझे बता दो था कोई रेस्टोरेंट. चल चल चलते हैं. अच्छा एक बात बता, ओयो का एक्सपीरियंस ही सर है ये तो बता. क्या हुआ? लैंडलाइन काम नहीं कर रहा, पानी है नहीं, रेटिंग जीरो दूंगा. यार एक्चुअली पता क्या हुआ, हमने ना घर से निकलने से पहले ओयो की प्री बुकिंग कर ली. उसके बाद उसकी रेटिंग्स भी बहुत अच्छी थी एंड फोटोज़ में रूम्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे. सो आई थॉट कि बुकिंग कर लेते हैं एंड चीप भी पड़ रहा था थोड़ा सा. इसने कुछ नहीं बोला था, इसको कहता है रूम अबे बोला अच्छा लग रहा है. अबे तो लग ही रहा था अच्छा रूम है. ये कह रहा है मैट बिछी हुई है. मैट मैं कह रहा हूँ पान थूके हुए भाई को. अबे भाई साहब यार एक्चुअली में वो सही बहुत अच्छा लग रहा था फोटोज में एंड चीप भी पड़ रहा था तो मैं सोचा बुक कर लेते हैं. एंड यहाँ पे आने के बाद नीचे जब रिसेप्शन पे थे तब भी थोड़े एनवायरनमेंट अच्छा सा ही लग रहा था. ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. मैं बताता हूँ क्या हुआ. हम लोग एंटर किया तो बहुत अच्छा, मतलब ऐसा ग्रैंड रूम. फिर हमें रूम दिया सेकेंड फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर बहुत बढ़िया, सेकेंड फ्लोर बहुत बढ़िया और कॉर्नर में जाके एक अलग से ही कंपार्टमेंट है जैसे ओयो वालों के लिए बनाया हुआ. भाई साहब रूम मैंने कहा चलो अच्छा होगा, आते देखा वो कॉर्नर पान थूका हुआ है, जैकेट चले गए. सीरियसली बहुत बहुत ही ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस है. बस क्या ही एक्सप्लेन करूँ इससे ज़्यादा. बट तो मैं हाँ वो तो रहना थोड़ा सा ही है, इसीलिए सोचा कि ठीक है यार इतना चलता है. बट मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस, पहली बार ही था कि लाइक जब तुम पहुँचो कहीं पे भी उसके बाद ही बुकिंग करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना फिर यार बहुत गलत सीन ही हो जाता है. तो ठीक है अब चलते हैं कुछ खाते हैं फिर मिलते हैं. ओके बाय बाय. हेडिंग टू वर्ड्स आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन विच इज सिटी पैलेस. और अभी हमने यहाँ से जस्ट हमने जहाँ से लंच किया था वहीं से हमें जस्ट रोड पे से था, वो मेन रोड पे ही था वो रेस्टोरेंट आई गेस कांजी स्टेशन. खाना वाज गुड बट कहीं ना कहीं
ठीक ओके 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 बट उनकी जो डिजर्ट था उन्होंने एक स्वीटेस्ट दिया था एंड उसके नीचे आई डोंट नो पता नहीं नीचे कुछ रसगुल्ला टाइप था एंड ऊपर वॉज वेरी क्रीमी स्टफ वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था मैट स्टफ बस वहीं से हमने लंच लिया एंड वहीं वो मेन रोड पर आई गए बस स्टैंड वाली रोड पर एंड वहीं से हमें एक रिक्शा मिला एंड वी आर हेडिंग टू वॉच आर फर्स्ट डेस्टिनेशन विच इज सिटी पैलेस और साथ साथ और भी चीज़ है साथ में वो भी सही है हाँ वी विल सी वहाँ पे आसपास कह रहे हैं कि काफ़ी सारी डेस्टिनेशंस है सिटी पैलेस के आसपास जो हमें कवर करनी चाहिए एक बार वहाँ सिटी पैलेस पहुँचते हैं एंड सिटी पैलेस एक्सप्लोर करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा सिटी पैलेस है और क्या पर में और क्या क्या हमारे लिए सो वी विल सी सो वेलकम बैक गाइज हम अभी सिटी पैलेस एंटर किया हमने एंड इसका एंट्री प्रोसेस काफ़ी ईजी था हमने स्टूडेंट आई डी कार्ड दिखाया तो हमें 100 rupees का डिस्काउंट मिला फॉर इंडियन नेशनल्स और फॉरेनर्स के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट आई गेस इंडियन नेशनल्स के लिए काफ़ी अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें काफ़ी कंसेशन मिल जाता है अरे वो बाहर एक भैया मिले बहुत हाँ एग्जैक्टली अभी हमें क्या हुआ कि हम जैसे ही एंटर कर रहे थे तो भैया एक मिले तो उन्होंने बोला कि यूट्यूबर एंड वी वर लाइक नहीं है सर हमारी फर्स्ट वीडियो ऐसे से है एंड अभी हम लोग गाना वाना गाते हैं तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या गाना गाते हो बताओ सर ऐसे दिखाओ दिखाओ तो उन्होंने अपना गाना वाना दिखाया तो ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन यू नो तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट दिखाया एंड वी काइंड कनेक्टेड सो मच तो हमने सोचा चलो अच्छा है बट धूप काफ़ी है टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स वेरी हॉट बट आई फील प्लेस काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से तो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ फिर आपको सिनेमैटिक्स पे लेकर चलता है एंड गोज लाइक तो गाइज ये थोड़ा सा व्यू है ये आई गेस फ्रंट व्यू है पीछे से थोड़ा है और अच्छा है और इसके साथ हमें कंबाइंड टिकट मिल रहा था बट हमने लिया नहीं हमने सोचा जब कहीं और जाएंगे तो वो भी ट्राई करेंगे मतलब दूसरा फोर्ट में एडिशनल एंट्री ले लेंगे और जो काउंटर पे बैठे थे उन्होंने भी ये रिकमेंड किया अब ये थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और आपको साथ साथ बताते हैं बट तब तक आप लोगों के लिए एक बहुत तगड़ा सिनेमैटिक सीक्वेंस है एंड उसके बाद मिलते हैं ओके बाय सो गाइज दैट वॉज सिटी पैलेस और आई होप आप लोगों को सिनेमैटिक्स अच्छे लगेंगे हाउएवर यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं घूमने को आई मीन काफ़ी प्राइवेट स्पेस भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्पेस है और इसी बीच मुझे याद आया हमारे फोटोग्राफर साहब की हालत टाइट हो गई है क्योंकि उन्होंने काफ़ी सिनेमैटिक्स लिया और बहुत गर्मी है और आई डोंट नो हाँ एक पॉइंट था जो कि इनका म्यूजियम वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अगर आप आओ तो ज़रूर म्यूजियम विज़िट करना वहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी आई मीन हाँ अच्छा था काफ़ी अच्छा था एंटीक्स काफ़ी अच्छे थे जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगा बट आई फील यू नो थोड़ा सा और कुछ अगर प्राइवेट स्पेस मिल जा सकते बट इट्स ओके आई थिंक नाउ वी शुड हेड टू आर नेक्स्ट प्लेस जो कि आई गेस हवा महल है और हम इस टाइम कुछ ऐसा पेड़ की शेड में रेस्ट करें क्योंकि बहुत थक गया है बहुत गर्मी है एंड आई थिंक वी शुड यू नो मूव ऑन टू आर नेक्स्ट प्लेस नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ हवा महल ओके सो चलें वी आर ऑन आर नेक्स्ट लोकेशन हमने थोड़ा हवा महल स्किप कर दिया है क्योंकि वो 5 बजे बंद हो जाता है
और अभी टाइम हो गया था आई गेस 4:50, तो हमने सोचा हवा महल 10 मिनट में तो कवर हो नहीं सकता है, तो हम लोग एक नई लोकेशन पर आए हैं एंड वो है जल महल एंड हियर इट इज। तो चलते हैं जल महल की तरफ, और क्या वर्थ इट है या नहीं है, मुझे जहाँ तक लग रहा है बिल्कुल वर्थ इट है। वर्थ इट, हाँ हाँ, तू तो साले आराम से। वर्थ इट, नॉट वर्थ इट, वर्थ इट, वर्थ इट, हैशटैग नूबी, बी लाइक चिराग विलेनी। ओके, सो दिस इज जल महल। ब्रदर, हेलो ब्रदर। राम पर क्या ब्रदर, आपके फादर आए हैं। चल ओके गाइस, सो वी आर एट जल महल और हमारे फोटोग्राफर साहब आई गेस रेडी होंगे। आपका टाइम हो गया रेडी विद द गिम्बल, सिनेमैटिक शॉट्स लेने के लिए, और बिल्कुल आपको दिखाते हैं सिनेमैटिक व्यू, आप एंजॉय कीजिए और विल बी राइट बैक, मिलते हैं और थोड़ा बताते हैं जल महल। मैं भी पूछता हूं, ज्यादा और नहीं बोल रहा तू है बदतमीज। चलो प्लीज एंजॉय, चलो। तो ये था जल महल, और हम लोगों ने काफ़ी आई मीन लोकल्स से पूछा कि असल में जल महल और एक क्या सीन क्या है, मतलब एक तो हर तरफ वाटर है, बीच में महल है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो पता चला कि जो महाराजा और महारानी थे वो यहाँ पर आते थे, और एक्चुअली एक है दो मंजिल है, एक मंजिल ऊपर है एक मंजिल नीचे है, जो कि हमने देखा वाटर के नीचे है। तो उसमें क्या है कि वो वाटरप्रूफ बिल्डिंग है, तो जितना मतलब लोकल्स ने बताया उसके हिसाब से कि महाराजा महारानी आते थे और वो यहीं पे फिशिंग करके अपना रहते थे थोड़ा टाइम। आई मीन कॉन्सेप्ट काफ़ी कूल है। ऑल्सो उन्होंने बताया कि जो जल महल था वो काफ़ी मतलब दूर तक ऐसे आगे तक था, बट उसे अभी वो काट कर छोटा कर दिया है, और यहाँ पर कुछ टूरिज्म डिपार्टमेंट का कुछ ऐसा बन रहा है। ऑल्सो कुछ ऐसा भी बताया कि ये जो अभी जल महल है वो बेसिकली अभी किसी कंपनी को लीज पे दिया हुआ है, आई डोंट नो वो किसी किस कंपनी को दिया है, कैसे और क्यों है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मुझे लगा तुम लोगों को पता होना चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग सोच रहे हैं क्या करें, बट हाँ ऑल्सो ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊँ जल महल का, तो इट वॉज ओकेश, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लोकल पब्लिक के लिए या फिर लोकल लोगों के लिए काफ़ी कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आ सकता है, तो इतना कुछ ऐसा मेंटेन नहीं है या कुछ ऐसा क्राउड भी आपको मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं मिलेगा। जैसे सिटी पैलेस में था वहाँ पर वी पेड एन एंट्री फी, ऑल्सो वहाँ पर जो भी बंदे थे या जो भी कोई आया था वो टूरिस्ट थे, और वहाँ गाइड्स भी थे, यहाँ कोई गाइड्स भी नहीं हैं, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज ओकेश, यू कैन कम अगर आना है तो, बट सनसेट के या सनराइज के टाइम आना, क्योंकि दैट्स द कूल टाइम। हाँ आई गेस दैट्स ऑल, और अभी हम शायद पिंक सिटी के एंट्रेंस गेट पर जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था हमें जब हमने देखा था, बट वी कुडंट शूट देयर। अभी ट्राई करते हैं वहाँ शूट करते हैं और देखते हैं वहाँ क्या स्पेशल है क्या नहीं है। ऑल्सो उसके बारे में कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली है, तो वो वहीं पहुँच कर बताते हैं। दैट्स ऑल, मीट यू देयर। सॉरी गाइस, आई मीन हम लोगों ने थोड़ा जाना कैंसिल नहीं किया, हम गए थे, बट वहाँ पर लाइटिंग का बहुत प्रॉब्लम था। रात को हमें लगा कि अभी कैप्चर करेंगे, हावर हमें परमिशंस मिल गई थी, हम लोगों ने इस बार पहले पुलिस जो ऑफिसर्स थे वहाँ पर उनसे पूछा कि क्या हम सर ये जो गेट है इसके मतलब शूट कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ आप ज़रूर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जब वहाँ पर अपना पूरा सेटअप लगाया हमने, तब उन्होंने बोला कि आप अगर बुरा ना माने तो आप शाम सुबह आ जाइए, क्योंकि उस टाइम लाइटिंग भी बहुत अच्छी होती है और अभी इससे ज़्यादा लाइट्स नहीं होंगी। हमें लगा कि मैंने आई डोंट नो यूट्यूब वीडियोस में देखा था
कि काफ़ी लाइट हो जाती है, मतलब जो गेट है उसके आसपास काफ़ी लाइट्स होती हैं, बट यहाँ मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं इस टाइप। इस चीज़ से मुझे याद आया मेरा ओवरऑल फर्स्ट डे व्लॉगिंग एक्सपीरियंस। सच बताऊँ तो मुझे पता चल गया है कि व्लॉगिंग इज़ अ टफ जॉब, बहुत टफ जॉब है। मुझे लगता है कि व्लॉगिंग अच्छा है, लाइक आई कैन परस्यू इट और मुझे काफ़ी मज़ा आया, बट काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि फर्स्ट डे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मतलब थोड़ा सा होता ही है कि पहले वो पुलिस ऑफिसर जो हमें यूडी रेलवे स्टेशन पर मिले, देन उसके बाद हमारी जो ट्रेन जर्नी थी दैट वॉज वेरी टायरिंग, और उसके बाद हमने सोचा था कि हम दो चार पैलेसेस कवर कर लेंगे बट उतने हो नहीं पाए। थोड़ा सा हमें लगा कि अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर आफ्टर लॉकडाउन काफ़ी अफेक्टेड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक लोकल्स बोल रहे हैं, लोकल्स ने तो बोला कि बिफोर लॉकडाउन चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, लाइक मेरी होटल जो मैंने आपको बताया था कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, जो कि अभी भी अच्छा नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम है जैसे इसी अभी भी आवाज कर रहा पीछे, बट उन्होंने मुझे बताया कि जो आसपास के लोगों से, जैसे मैंने जो भी थोड़ा सामान लेने गया था मुझे बताया कि लॉकडाउन से पहले ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, ये बहुत अच्छा होटल था, तो इसीलिए मैं रिव्यूज़ देकर आया था यहाँ पे। ऑल्सो फिर उन्होंने काफ़ी टेम्पल के बारे में बताया जहाँ मैं सोचा था मैं विज़िट करूँगा, बट मैं विज़िट नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब उन्होंने बताया कि उसकी मेंटेनेंस में बहुत इफेक्ट, जो कि आना भी चाहिए ऑब्वियसली, जयपुर इज़ अ टूरिस्ट प्लेस, तो यहाँ पर जो भी पैसा आता है वो गवर्नमेंट जो एंट्री फीस इकट्ठा करती है दैट इज़ फॉर मेंटेनेंस। अब लॉकडाउन था ऑब्वियसली कोरोना वायरस के चक्कर में, तो उस चक्कर में जो भी टूरिस्ट थे वो नहीं आ पा रहे थे, तो जो मेंटेनेंस ऑब्वियसली वो कहाँ कुछ कोई मेंटेन थोड़ी करेगा उसे। बट अभी हमारा आगे बहुत देखना है, अभी अब दो तीन फोर्थ आई गेस हमें कल और देखना है, और अभी इस टाइम हमारा टाइम इज़ आई गेस 7 o'clock, 7 के अराउंड हो रहा है, एंड यश पता नहीं कहाँ बाहर चला गया कुछ खाने पीने, एंड आई एम डन फॉर द डे। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे काफ़ी मज़ा आया, ऑल्सो हमें काफ़ी कुछ नया जानने को मिला। अगर मैं और यश अपने बारे में बात करें तो हमें काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया हमने इंडिविजुअलिटी में, अगर हम देखें तो हम लोगों के गोल्स क्लियर हुए, हम लोगों ने लोगों से इंटरेक्ट किया, हमने लोकल से इंटरेक्ट किया, तो हमें काफ़ी ऐसा कम्युनिकेशन गैप जो हमारे बीच में था वो काफ़ी कवर हुआ। एंड देन आई फील कि कहीं ना कहीं व्हेन यू टॉक टू द कैमरा, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, दिस इज वेरी टफ जॉब, बट अभी एडिट में मुझे नहीं पता यश क्या करने वाला है, बट आई डोंट नो, होप इट ऑल गेट्स फाइन। एंड अभी के लिए आई थिंक आई शुड एंड दिस व्लॉग फॉर द डे, अभी हम कुछ ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, हम जैसे फोटोज ट्रांसफ़र करेंगे, खाना तो आई एम डन फॉर द डे, और यश आई थिंक वो कुछ खाने ही गया, वो खा कर रहेगा एंड वे डन। फिर हम सुबह का हमारा कुछ प्लान है, उसके लिए आई गेस कल सरप्राइज, तो अगले दिन का व्लॉग यानी कल का व्लॉग ज़रूर देखना, और चैनल नया है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक अगर अच्छा लगे तो करना, नहीं किया तो मैं समझ जाऊँगा नहीं पसंद आया तो और मेहनत करनी पड़ेगी, और क्या होगा। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे, और आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ, आई वांट टू चेंज एंड स्लीप। रूम काफ़ी मेस्ड अप है, तुम देख रहे हो काफ़ी मेस्ड अप है, अब इसे थोड़ा साफ करेंगे और यहाँ पर सो जाएंगे, और कल का व्लॉग देखना मत भूलना क्योंकि कल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये शायद हमारी लाइफ वैसे तो ये ब्लॉग भी है बट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, कल जरूर देखना। एंड सो टेक केयर, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।